मंदसौर नगर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में रतलाम से आए रुद्र महाकाल सेवा समिति के सदस्यों द्वारा चांदी के छत्र और आभूषणों की सफाई की गई। जानकारी के अनुसार बताया गया कि सावन मास शुरू होने से पहले पशुपतिनाथ मंदिर में लगे चांदी के छत्र आभूषणों की सफाई की जाती है। हिंदू पर्व सावन मास को देखते हुए रुद्र महाकाल समिति के 20 सदस्य महिलाएं पुरुष मंदसौर पहुंचे और सफाई व्यवस्था में सहयोग कर पुण्य का कार्य किया। संदीप ने बताया कि हम रुद्र महाकाल सेवा समिति रतलाम से आए हैं। हर पर्व के पूर्व बड़े मंदिरों में जाकर वहां लगी चांदी की पॉलिश करते हैं। हमारे द्वारा अनेक जीव सेवा मानव कल्याण के कार्य कई तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य हमारे द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहां पर रजत मंडप रुद्रेन चारों और द्वार में जो रजत लगी है उसकी सफाई की गई है। हम श्री रुद्र महाकाल सेवा समिति से हैं और हर पर्व के पूर्व बड़े मंदिरों में जाकर वहाँ की चांदी की पॉलिशिंग करते हैं। इसी के साथ अनेक जीव सेवा के कार्यक्रम, अनेक मानव कल्याण के कार्यक्रम और अनेक तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं। आज श्रावण के पूर्व, श्रावण जो मास आ रहा है भगवान शंकर का अति पवित्र मास, उसके पूर्व अति प्राचीन और अति दिव्य मंदिर में यानी पशुपतिनाथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर रजत मंडप की हमने सफाई की है, रुद्र यंत्र की सफाई की, छत्र और जो द्वार में जो रजत लगी है उन सभी की सफाई की। मंदिर की पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर की सफाई के लिए क्या क्या चीज़ें रहेगी उसमें? अभी तो वो जलाधारी रह गए हैं और अंदर की वो ये सी प्लेटें साफ करनी, छत्र की सफाई हो चुकी है, प्लेटें साफ। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।